साला चम्मच आपका स्वागत करता है। आज हम सीखेंगे नारियल की चटनी, जिसको डोसा इडली के साथ खाया जाता है, और सीखते हैं नारियल की चटनी। नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है नारियल, ये पानी वाला नारियल है जिसको मैंने छील कर रख लिया है। स्वाद अनुसार नमक, राई, रोस्टेड चना या भुना हुआ चना कहते हैं इसको, और ये लिया है मैंने एक बड़ा चम्मच उड़द चने की दाल, जिसको मैं 5 मिनट के लिए भिगो कर रख दूंगी। ये तड़के के वक्त काम आएगी। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है वेजिटेबल ऑयल, 4 से 5 करी लीव्स, 1 साबुत लाल मिर्च और लिया है नींबू। एक जार लिया है, इसमें हम अपनी चटनी को बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। नारियल को आप बड़े बड़े पार्ट में कट कर लें। अब मैंने इसमें डाले हैं भुने हुए चने और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप इसको थोड़ा सा ही करें, फिर आप धीरे धीरे इसमें पानी मिलाकर इसको अच्छे से स्मूथ बना लें। नॉर्मल स्पीड पर ही अब मैं आपको दिखाती हूँ, नारियल और चना हमारा एकदम से पिस गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। आप पानी को प्लीज ध्यान से डालें और थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वादानुसार या 1/4 मसाला चम्मच, नींबू ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें और अगर नहीं तो भी आपकी चटनी बहुत स्वाद बनेगी। अब आप इसको अच्छे से स्मूथ होने तक ग्राइंड कर लें। देखिए एकदम स्मूथ हमारी चटनी बन गई है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें अब हम 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। इसको गर्म होने देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 मसाला चम्मच राई, करी लीव्स, 1 साबुत लाल मिर्च और जो हमारी भीगी हुई चना और उड़द दाल थी उसको डालेंगे। आप चाहें तो बिना भिगोए हुए भी इसको तड़के में डाल सकते हैं। अच्छे से अपने तड़के में दाल को गोल्डन ब्राउन होने तक भूने। फ्लेम को आप मीडियम ही रखें। अब देखिए और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, मेरी दाल बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। सर्विंग बोल में अपनी चटनी को कर लिया है और इस तड़के को हम अपनी चटनी में मिक्स कर देते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कितनी टेस्टी लग रही है हमारी नारियल की चटनी। आप इसको 2 से 3 दिन तक फ्रिज में एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके खा सकते हैं और ये 4 से 5 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट चटनी बनकर तैयार हुई है। हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, आप इसे खाएं, अपने परिवार को खिलाएं। मेरी नारियल की चटनी की रेसिपी से खुश हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और धार्मिक होकर घंटा बजा दें। धन्यवाद।